रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने अब एक चेतावनी जारी की है हार्दिक पांड्या को और कहा है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। जी हां, आप बताने के शोएब अख्तर ने जो है एक बड़ा बयान दिया है हार्दिक पांड्या को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को झटका लगा था जब उनकी फिटनेस की वजह से, उनके फॉर्म की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया था, उसके बाद जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने मेहनत करके एक सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज के तौर पर नहीं बल्कि प्योर एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर अपनी जगह टीम में बनाई है, उससे बहुत बड़ा एक आत्मविश्वास इस खिलाड़ी को मिला होगा। लेकिन अब गलती करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप जब आप कामयाब हो रहे हो, जब आप बहुत सारी चीजें हासिल कर रहे हो, तो आप ऑफ द फील्ड जो है सिर्फ मजे करने में रह जाएं और उसको सीरियसली ना लें और ऑन द फील्ड उसका जो है असर दिखे और ऑन द फील्ड जाकर कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस कहीं डाउन ना हो जाए। इसलिए शोएब अख्तर का मानना है कि हार्दिक पांड्या को अब बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शोएब अख्तर ने कहा कि हार्दिक पांड्या जिस देश में है वो देश बहुत बड़ा है और जब इतने बड़े देश में जब कोई खिलाड़ी स्टार बनता है उससे लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं और खास करके एक ऐसा प्लेयर जो कि इस समय बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में हर जगह अपना योगदान दे रहा है। और साफ तौर पर अख्तर का यह मानना था कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, भूवी के रहते हुए, बुमराह के रहते हुए, शमी के रहते हुए, जिस तरीके से वो दोनों ही जो फॉर्मेट है T20 और ODI वहां पर जो परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, इवन इन डेथ ओवर्स में जो आकर गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी में जो योगदान दे रहे हैं, उससे भारतीय टीम का भविष्य तो बेहतर हो रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या को भी अब ये देखना पड़ेगा कि जो भी कामयाबी उनको ऑन द फील्ड मिल रही है उसको कहीं ना कहीं ऑफ द फील्ड में जाकर के एंजॉय करने के चक्कर में कहीं खराब ना कर लें और आने वाले समय के लिए भारतीय टीम को ढेर सारे जो है ट्रॉफी दिलवा सकते हैं हार्दिक पांड्या अगर वो अपने फॉर्म, अपने फिटनेस पर लगातार काम करते रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि हार्दिक पांड्या जिन पर कि पूरे देश का एक तरीके से उनके कंधों पर भार डाला गया है कि आने वाले समय भारत को कई सारे मैचेस जिताएं, वो थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखें और ऐसे ही परफॉर्मेंस को जारी रखें। क्या आपको लगता है कि शोएब अख्तर ने जो ये बयान दिया है हार्दिक पांड्या को लेकर के, क्या वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है और हार्दिक पांड्या को बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए मैदान पर, या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या तो वैसे ही फोकस है, शोएब अख्तर को ये बात बताने की जरूरत नहीं थी? आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।